हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्राउज़र की डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो ये ट्राउज़र की डिज़ाइन है, आप लोग भी अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 इंच की पट्टी काटना है। देखिए हमारी 3 इंच की पट्टी कट चुकी है। अब इसको एक ऐसे करके फोल्ड करना है 1/2 पे, और इसमें 1-1 इंच की चुन बनानी है। इस तरह से हमें अपने कपड़े पे चुन बना लेनी है। जितनी हमारे ट्राउज़र के नीचे की मोरी हो उतनी ही नाप कर चुन बना लेनी है। इसी तरह से बना लेनी है। देखिए हमारी ये चुन रेडी हो चुकी है, दोनों पैर के लिए रेडी हो गई है। फिर उसके बाद 2 इंच की एक पट्टी काटेंगे। देखिए पट्टी कट चुकी है। अब इसको फोल्ड करके एक पाइपिंग बनाएंगे और इसके साइड पे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से पूरी पाइपिंग बना लेनी है। देखिए रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद ट्राउज़र के नीचे की नाप लेकर उतना ही लंबा कागज लेना है और 2 इंच चौड़ा 2 इंच लंबा कागज की कटिंग कर लेनी है। फिर उस पर 1-1 इंच का निशान लगा लेंगे। पूरे कागज़ पर 1-1 इंच का निशान लगा लेंगे। देखिए निशान लग चुका है। अब इस पर अपनी डोरी को रख कर कट कर लेंगे। इसी तरह से डोरी को रख कर कट कर लिया और फिर उसके साइड साइड में सिलाई लगा लेंगे। देखिए रेडी हो चुकी है। इसी तरह से दोनों तैयार कर लेना है। अब इसके नीचे जो चुन बनाया था उसको 1/2 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमारा जॉइंट हो चुका है। उसके बाद इसकी चौड़ाई नाप कर निशान लगा लेंगे। और 4 इंच लंबा निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद 1-1 इंच पर पूरे कपड़े पर निशान लगा लेना है। फिर उसके बाद ऐसे करके टक्स बनाने हैं। देखिए टक्स रेडी हो चुकी है।
अब दूसरे छोर से भी टक्स बना लेने। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एकदम बढ़िया से तैयार हो गए। अब इसको दोनों को ज्वाइन करके सिलाई लगा लेना है। इसी तरह से दोनों को तैयार कर लेना है। उसके बाद ट्राउजर के नीचे इसको ज्वाइन कर लेना है। ट्राउजर के साइड की सिलाई को लगा लेना है। फिर जो कागज लगा हुआ है उसको निकाल देना है। हमारा बनकर रेडी हो चुका है। कितनी सुंदर डिज़ाइन लग रही है, आप लोग इसे घर में बना सकते हैं। इस पर मैंने डेकोरेशन के लिए नग लगा दिया है, स्टोन भी आप लोग लगा सकते हैं।